नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। अलीगढ़ के दिल्ली गेट चौराहे के नजदीक एक मस्जिद पर किसी शरारती तत्व ने धार्मिक नारा जय श्री राम भगवा पेंट से लिख दिया, जिसके बाद दोनों समुदाय के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। पुलिस प्रशासन को जैसे ही सूचना मिली तत्काल आनन फानन में जाकर पुलिसकर्मियों ने उस धार्मिक नारे को मिटाया। मामला दो समुदाय का होने के चलते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। थाना दिल्ली गेट का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुझ क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि प्रकरण के संज्ञान में आते ही तत्काल पुलिस उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया तथा दुकान के बराबर में जो मजदूर द्वारा जो लिखा गया था उसे दोनों पक्षों की आपसी सहमति से हटवा दिया गया और दोनों पक्षों में आपस में सौहार्दपूर्ण वार्ता हो गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। गोंडा में एक पत्नी ने संपत्ति के लिए अपने ससुर तीन देवरों को फंसाने के लिए पति की हत्या कर शव को गायब करने का आरोप कोर्ट में लगाया, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने ससुर सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने गुजरात से महिला के पति को जिंदा बरामद किया है। जी हाँ, चौंकाने वाली यह घटना गोंडा के देहात कोतवाली क्षेत्र के बेसिया चैन की है। पुलिस ने कोर्ट को गुमराह करके झूठा मुकदमा दर्ज कराने के मामले में महिला और आरोपी के पति को गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत ये घटना जो है प्रकाश में आई थी। एक गुड़िया नाम की महिला पत्नी रामकरण निवासी बेसिया चैन थाना कोतवाली देहात ने माननीय न्यायालय में 156(3) के तहत मुकदमे का आदेश कराया था और 5 जून 2023 को थाना कोतवाली देहात पर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 156(3) के तहत ये हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें वादिनी द्वारा बताया गया था कि उसके पति की हत्या कर दी गई है उसके ससुराली जनों के द्वारा। झांसी महोत्सव में एसपी सिटी पहुंचे, वहीं उन्होंने महोत्सव में पहुंचकर पुलिस बल के साथ महोत्सव का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि क्राफ्ट मेला मैदान में झांसी महोत्सव लगा हुआ है जो 40 दिनों तक चलेगा। इसको लेकर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसका निरीक्षण किया गया है। फायर सेफ्टी के लिए उपकरण को भी देखा गया है। इलेक्ट्रिक सेफ्टी की व्यवस्था, झूले आदि जो लगाए हुए हैं सभी के बारे में निरीक्षण किया गया है और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और समय समय पर इन चीज़ों को चेक कराने के लिए भी बताया गया है। क्राफ्ट मेला मैदान में झांसी महोत्सव जो करीब 40 दिन तक चलेगा, इसको लेकर के जो यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं उसका निरीक्षण किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था क्या है, कहाँ पे क्या आवश्यकता है इसका, फायर की क्या व्यवस्था है जो फायर सेफ्टी के लिए उसको देखा गया है, इलेक्ट्रिक सेफ्टी की क्या व्यवस्था है तथा झूले आदि जो लगे हुए हैं उनका टेक्निकल मुआयना हो रहा है या नहीं, ये सभी के बारे में निरीक्षण किया गया तथा जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और समय समय पे इन चीज़ों को चेक करने के लिए भी बताया गया है। हरदोई में भीषण कोहरे ने हाईवे की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। भीषण कोहरे के कारण हाईवे की विजिबिलिटी शून्य हो गई। वहीं हाईवे पर चलने वाले वाहन हेडलाइट और डिपर का प्रयोग करते दिखे। भीषण कोहरे और शीतलहर के कारण सर्दी बढ़ गई है, जिसके कारण लंबी दूरी के वाहन सड़क किनारे खड़े कर दिए गए हैं, जिससे एक के पीछे एक लाइन लगाकर वाहन चलते दिखे। आगरा में फ्रेंच कपल ने हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई। ये कपल फ्रांस से आगरा आए हैं। 9 जुलाई को फ्रांस में दंपति शादी कर चुके थे। दंपति ने पहले मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार किया, उसके बाद आगरे के एक होटल में शादी रचाई, साथ ही वैदिक मंत्र उच्चार के साथ अग्नि के साथ फेरे लिए। वहीं मोहब्बत की नगरी में शादी रचा कर दंपति काफ़ी खुश नजर आए। फरुखाबाद में एसपी विकास कुमार के नेतृत्व में शहर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय के 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। शातिर ठग वन विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों को निशाना बनाते थे। मामले का खुलासा फतेहगढ़ पुलिस लाइन
सभागार में एसएसपी डॉक्टर संजय सिंह ने किया है। एसएसपी ने बताया कि आरोपित पिछले 5 सालों से नौकरी का झांसा देकर एमपी छत्तीसगढ़ के लोगों को निशाना बना रहे थे। आरोपियों के पास से 57 सिम, 12 ATM, 22 मोहर, 1 कार, बाइक, राजकीय पत्र सहित भारी मात्रा में माल बरामद हुए हैं। आरोपित लखनऊ में रहकर ठगी का कारोबार संचालित कर रहे थे। एसएसपी ने बताया कि एक आरोपित अभी फरार है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर पूरी तरीके से गिरोह का खात्मा कर दिया जाएगा। हरदोई में रोडवेज बस और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों वाहन कोहरे के कारण आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि पाली की तरफ जा रही पिकअप ने रोडवेज बस में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। रोडवेज बस में सवार ही न होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। घटना पाली कस्बे के लुकहा पुल्लिया मोड़ के पास का है। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व से जंगल से निकलकर एक बाघ घर में पहुंच गया। वहीं बाघ को देखने हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे। बाघ रात करीब 3 बजे घर की दीवार पर बैठा दिखा। टाइगर रिजर्व में बाघ आकर्षण का केंद्र बना रहा। लोग शहर और ग्रामीण क्षेत्र से अपने परिवार के साथ कार से बाघ को देखने पहुंचे। एक तरफ ग्रामीण दहशत में दिखे तो वहीं दूसरी तरफ मनमोहक अंदाज में भी दिखे। घर की दीवार पर आराम फरमा रहे बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। वन विभाग की टीम कड़ी मशक्कत के बाद बाघ को रेस्क्यू कर लिया गया। प्रयागराज जिले के उतरवां थाना क्षेत्र के महुआ कोठी बाजार में तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ने खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दी। वहीं घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल महुआ कोठी गांव निवासी 20 साल का सैफ तेज रफ्तार अपाची बाइक लेकर बाजार जा रहा था। इसी दौरान उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसने खड़ी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक 2 टुकड़ों में बट गई। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना से लोगों की भारी भीड़ जुट गई। घायल सैफ को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर से घर में कोहराम मच गया। आगरा में महिला ने पुजारी पर आरोप लगाते हुए बताया है कि पुजारी ने संतान प्राप्ति के इलाज का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। युवती राजस्थान की रहने वाली है। उसकी कोई संतान नहीं है, जिसकी वजह से वो पिछले 5 महीने से मंदिर की फेरी लगाने पति के साथ जा रही थी। घटना वाले दिन भी वो अकेले पूजा करने गई थी। इस दौरान आरोप है कि उसे अकेला देखकर पुजारी ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने महिला को मेडिकल के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी भगत के खिलाफ पुलिस दुष्कर्म का मामला दर्ज कर चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मामला थाना पिनहाटा क्षेत्र अंतर्गत गांव हरी सिंह की ठार का है। कासगंज में घने कोहरे के कारण एक कार ने गन्ने से भरी बैलगाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बैलगाड़ी सवार किसान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं किसान की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीएम सीओ ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। मृतक संदेश कुमार बैलगाड़ी में गन्ना भरकर नियोली शुगर फैक्ट्री जा रहा था। वहीं मौत की खबर से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा थाना सहावर क्षेत्र के सोरो रोड स्थित ताली पुल पर हुआ। उन्नाव में कोहरे का कहर देखने को मिला, जिससे बड़ा हादसा हो गया। दरअसल एक अज्ञात वाहन ने स्कूली वैन में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ड्राइवर समेत कुल 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ड्राइवर समेत कुल 4 बच्चों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। साथ ही 4 बच्चों का सीएससी में उपचार जारी है। घटना के बाद सीओ बच्चों से मिलने पहुंचे। सीओ ने सभी बच्चों से उनका हाल जाना। बता दें कि वैन चमियाने से बच्चों को लेकर पुरवा आ रही थी। वैन न्यू सिटी मॉडर्न पब्लिक स्कूल की है। घटना पूर्वा कोतवाली के कांजीखेड़ा गांव के पास घटी।
एक एक्सीडेंट हुआ है, टोटल कितने बच्चे सीएससी आए? टोटल 9 लोग आए, 9 टोटल 9 पेशेंट आए ड्राइवर सहित, इसमें 5 पेशेंट रिफर हैं और 4 मामूली चोटें, वो घर चले गए। अच्छा, जो 5 बच्चे रिफर हैं क्या उसमें ड्राइवर भी है? हाँ ड्राइवर है, दीपक है ड्राइवर, वो भी घायल है। अच्छा, जो रेफर है उनको किस प्रकार की इंजरी है? ये फ्रैक्चर वाली इंजरी है, फ्रैक्चर हाथ का, पैर का, किसी गूले का फ्रैक्चर हुआ है इसमें, जो रेफर हुए। आगरा में टेलीविजन विक्रेता को कार से आए युवक ने टप्पेबाजी का शिकार बनाया। साथ ही आरोप है कि युवक दुकानदार की लॉकर से 13,000 रुपए लेकर फरार हो गया। वहीं टप्पेबाजी की पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। युवक ने विक्रेता को डॉलर देने के बहाने टप्पेबाजी का शिकार बना लिया। टेलीविजन विक्रेता मुकेश मित्तल खैरागढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। मामला आगरा थाना के खैरागढ़ क्षेत्र का है। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज कहीं भी कभी भी किसी भी मंच से विपक्ष पर जमकर हमला बोल देते हैं और अक्सर साक्षी महाराज विपक्ष नेताओं को चेतावनी भी देते नजर आते हैं। एक बार फिर भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 22 तारीख को हमारे प्रभु श्री राम को विराजमान होने दीजिए, फिर धनुष पर बाण चढ़ाकर सबको ठीक करेंगे। 22 जनवरी को पूरा अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भगवा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या में मेरे प्रभु का दरबार है, उनके दरबार में जो भी आएगा भूला भटका सबका स्वागत है। सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी अयोध्या आने की सलाह दी है। साक्षी महाराज ने कहा कि सोनिया गांधी जी अयोध्या आती हैं और प्रभु श्री राम से अपने अपराधों और कांग्रेस के अपराधों की क्षमा मांगती हैं तो अच्छी बात होगी। पूरा अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भगवा भगवा भगवा, जय श्री राम जय श्री राम। 22 तारीख वाला हमारा प्रभु श्री राम को विराजमान होने दीजिए, फिर धनुष और बाण चढ़ा के सबको ठीक करेंगे। उन्नाव में डीएम कार्यालय के बाबू का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर बाबू ने रिश्वत ली है। रिश्वतखोर बाबू का नाम संतोष बताया जा रहा है। डीएम कार्यालय में तैनात रिश्वतखोर बाबू संतोष ने उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के नाम पर युवक से रिश्वत ली है। मामला उन्नाव कलेक्टर का है। श्रावस्ती में जिले के किसानों को जल्द खाद की किल्लत से निजात मिलेगा। जिला कृषि अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने खाद किल्लत को लेकर जानकारी दी है। डीएम कृतिका शर्मा के निर्देशन में 1000 मैट्रिक टन यूरिया खाद जिले में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसको लेकर 47 सहकारी समितियों पर भारी मात्रा में यूरिया खाद पहुँचा रही है। प्री पोजिशनिंग यूरिया खाद मिलने से किसानों को दौड़ भाग करने से राहत मिलेगी। किसान आधार कार्ड खसरा खतौनी देकर आवश्यकता अनुसार खाद प्राप्त कर सकेंगे। खाद नहीं मिलते साहब, बहुत कम मिलत है। वैसे आएगा तो मिल गए, तो आधे आदमी पावत है आधा वैसे लौट जात। क्या बताया यहाँ क्या बताया गया? आवे वाली है, तो मिली आवे वाली है, लेकिन सिंचाई का टाइम चल रहा है भाई। सिंचाई का टाइम चल रहा है, खाद की किल्लत को खाद नहीं। खाद बहुत दिक्कत है। संभल में खेत में पानी लगाने गए किसान की बिजली करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्यूबवेल में करंट आने से किसान की मौत हो गई है। सुबह पड़ोसी किसानों ने परिजनों को सूचना दी, वहीं किसान की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला जुनवाई थाना क्षेत्र के गांव कासमपुर ललरोई का है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।